बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.4, क्वेश्चन नंबर 8। लेकिन इस क्वेश्चन के करने से पहले रिमाइंड करना है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एंड यू आर न्यू टू दिस चैनल, इन बोथ द केसेस काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड click the bell icon so that the new video reaches you in time, and like this video also. Thank you. Now we start the question. एक matrix given है हमें 3 by 1, इसमें 1 1 minus iota and minus iota, ये हमें given है एक मैट्रिक्स। हमने ये फाइंड करना है कि ए मल्टीप्लाई बाय ए कंजुगेट ट्रांसपोज। तो इसके लिए हम आगे प्रोसीड करते हैं। ए मैट्रिक्स ये है और दूसरा हमने ये फाइंड करना है कि ए कंजुगेट ट्रांसपोज। तो सबसे पहले ए कंजुगेट फाइंड करते हैं। कंजुगेट में क्या करेंगे कि जिधर आयोटा लिखा हुआ है वो माइनस है तो प्लस कर लिया, इधर माइनस है तो प्लस कर लिया, यानी आयोटा के साइन चेंज कर लिया। अब उसके बाद ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज में ये एक ही कॉलम है तो इसको एक रो में चेंज कर दिया। अब ए को ए कंजुगेट ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें। ए तो ये मैट्रिक्स है, ए कंजुगेट ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स है, ये आई हुई है। तो ए और ए कंजुगेट ट्रांसपोज इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। ए मैट्रिक्स ये है और ए कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स ये है, जो कि ये आई हुई है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट रो में सिर्फ एक ही एलिमेंट है और फर्स्ट कॉलम में एक ही एलिमेंट है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 1। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें, सेकंड कॉलम में भी एक ही एलिमेंट है, तो 1 जब इससे मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये एलिमेंट इसी तरह आ जाता है। फिर 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा आ जाता है। फिर सेकंड रो पे आ जाए, सेकंड रो में एक ही एलिमेंट है 1 माइनस आयोटा, इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें यानी 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 माइनस आयोटा आ जाता है। और 1 माइनस आयोटा को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें, सेकंड कॉलम में है एक ही एलिमेंट 1 प्लस आयोटा, तो 1 माइनस आयोटा जो कि सेकंड रो है और सेकंड कॉलम 1 प्लस आयोटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी फार्मूला यूज़ करें तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। फिर 1 माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो माइनस आयोटा जो कि थर्ड कॉलम है, इस यानी एक ही एलिमेंट है, इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो माइनस आयोटा स्क्वायर। फिर माइनस आयोटा जो कि थर्ड रो है, इसको थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करें और थर्ड कॉलम में भी एक ही एलिमेंट है, तो -iota (iota) -iota² तो 1 इसी तरह आ गया, 1 प्लस आयोटा भी इस तरह आ गया और आयोटा भी, ये एलिमेंट भी इसी तरह आ गया। और यहाँ से आयोटा स्क्वायर इज -1, सो -1 आ गया इधर, और माइनस से मल्टीप्लाई हो गया तो +1, तो 1 प्लस 1 2। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर इज -1 और ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो +1, तो +1 और +iota 1 प्लस आयोटा। फिर -iota इसी तरह आ गया नीचे, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर इज -1 और माइनस से मल्टीप्लाई हो गया तो +1, तो यहाँ पे +1 हो गया, यहाँ पे -iota, तो +1 -iota, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर इज -1 तो माइनस से मल्टीप्लाई हो गया तो +1। तो इस तरह ये क्वेश्चन मुकम्मल हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में एक मैट्रिक्स गिवन है और उसका इन्वर्स मालूम करना है। सबसे पहले भाई मैट्रिसेस मेथड, भाई मैट्रिसेस मीन के कोफैक्टर मेथड से फाइंड आउट करना है। तो तमाम कोफैक्टर्स फाइंड कर ले, a11 फर इस एलिमेंट के लिहाज से, और यहाँ पे प्लस लगेगा कोफैक्टर के साथ, यहाँ पे माइनस लगेगा, यहाँ पे प्लस लगेगा, फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, इस तरह ये साइन साथ लगेंगे। अब इस एलिमेंट के रो को और इस एलिमेंट के कॉलम को हाइड कर ले, तो बाकी जो रह जाता है पोर्शन उसको यहाँ पे 2x2 डिटर्मिनेंट बना दे, और जब ओपन करेंगे तो -4 आ गया। फिर यहाँ पे 1 2 ये वाला एलिमेंट, तो a12 यानी इस एलिमेंट के लिहाज से जो कोफैक्टर बनता है, और उसके साथ माइनस लगेगा क्योंकि यहाँ पे ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो 1 + 2 3 ऑड नंबर है। इस रो को हाइड कर ले, इस कॉलम को हाइड कर ले, तो 0 0 -2 2 यहाँ से 0 आंसर आता है। फिर a13 इस एलिमेंट के लिहाज से, इसके रो को और इसके कॉलम को हाइड कर ले, तो 0 -2 -2 -2 और इसके साथ प्लस लगेगा क्योंकि ये फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो का मतलब 1, थर्ड कॉलम का 3, तो 1 + 3 4 ऑड इवन नंबर है, तो इसलिए प्लस लगा, तो 0 -4 -4 आ गया। अब आ जाए a21, a21 इस एलिमेंट के लिहाज से, और ये इसके साथ माइनस लगेगा, और यहाँ पे a21 ये वाला एलिमेंट है, तो इसके रो को और इसके कॉलम को हाइड कर ले, तो 2 -3 -2 2 और -7 लग गया क्योंकि ये है सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो 2 + 1 3 ऑड नंबर है। जब इसको ओपन किया तो हमारे पास 2 आंसर आ गया। a22 इस एलिमेंट के लिहाज से है, अब ये है सेकंड रो में और सेकंड कॉलम में, तो 2 + 2 4 इवन नंबर है, इसलिए इसके साथ प्लस आएगा, और इसके रो को हाइड करें इसके कॉलम को, तो 1 - 3 - 2 2 ओपन कर ले, तो हमारे पास -4 आ जाता है। a23 ये एलिमेंट है, तो 2 और 3 का मतलब है 5, ये प्लस करेंगे तो 5 ऑड नंबर है, तो माइनस लगेगा, और इसको 2 3, तो ये एलिमेंट है, इसके रो को और इसके कॉलम को हाइड कर ले, तो 1 2 -2 -2 ओपन कर ले, तो -2 आ जाता है। अब a31 ये एलिमेंट है, इसके कॉलम को और इसके रो को हाइड कर ले, तो 2 - 3 - 2 0 और चूंकि 3 और 1 का प्लस 4 आता है, तो प्लस इवन नंबर है, तो प्लस लगेगा, ओपन करने के बाद -6 आ जाता है। a32 ये a32 है, इसका कॉलम और इसका रो हाइड कर ले, तो 1 - 3 0 0 और 3 और 2 का प्लस 5 आता है, तो ऑड नंबर है, माइनस लगेगा, जब ओपन करेंगे इस डिटर्मिनेंट को तो 0 आता है। a33 ये एलिमेंट है, इसके कॉलम को इसके रो को हाइड कर ले, तो 1 2 0 - 2 और 3 और 3 का प्लस 6 आता है, जो कि एक इवन नंबर है, सो प्लस लगेगा, इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर ले, तो -2। अब हमने मालूम करना है इनवर्स, सबसे पहले एडजॉइंट हमें चाहिए। अब जितने भी ये कोफैक्टर आए हैं, इनको अभी इस तरतीब से इस मैट्रिक्स में
ये सारे को फैक्टर्स डालने हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इनकी वैल्यूज डाल दें, -4, 0, -4, ये हो गए, ये वैल्यूज हो गई, फिर 2, -4, -2, 2, -4, -2, फिर -6, 0, -2, -6, 0, -2, ये एडजॉइंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हम अगर इस मैट्रिक्स को ओपन करें विद रिस्पेक्ट टू रो 1, यानी इसके डिटर्मिनेंट को ओपन करें, इस मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट को अगर हम ओपन करें विद रिस्पेक्ट टू रो 1, तो रो 1 में ये A11 है, A12 है और ये A13 है। तो देखिए A11, A12, A13, ये वैल्यूज लगा दी, 1, 2, -3, 1, 2, -3। अब आगे हैं कोफैक्टर्स, तो कैपिटल A11 की वैल्यू है -4, ये लगा दी, फिर कैपिटल A12 0 है, तो ये 0 वैल्यू लगा दी, और इसकी वैल्यू है A13 की वैल्यू है -4, तो ये -4 लगा। अब इनको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो ये -4, 0 और 12, ये वैल्यूज आती हैं मल्टीप्लिकेशन के बाद, फिर दरमियान में प्लस प्लस लगा दें, इससे 8 आ जाता है, 8 इज नॉट इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स इज पॉसिबल। फार्मूला क्या है ए इनवर्स का? ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अभी हमने फाइंड आउट किया है 8, ये 8, 1 ओवर 8, और एडजॉइंट ऑफ ए ये है हमारे पास मैट्रिक्स, यहाँ पे लगा लिए एडजॉइंट ऑफ ए, ये 1 ओवर 8 बाहर है, तो ये 1 ओवर 8 हर एक एंट्री के साथ, यानी एडजॉइंट ऑफ ए की हर एक एंट्री के साथ 1 ओवर 8 मल्टीप्लाई कर ले, और फिर जब कटिंग हो जाती है तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। ये तो हो गया मैट्रिक्स मेथड। अब हम आते हैं बाय रो मेथड, यानी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से इसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। तो इस मैट्रिक्स को, ये मैट्रिक्स ए है, इसका इनवर्स निकालना है, इसको यहाँ पे लगा रहे और बीच में एक लाइन लगाए और राइट साइड पे यूनिट मैट्रिक्स लगा दे, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम करेंगे क्या कि जो गिवन मैट्रिक्स है, ये पोर्शन, इसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है, तो ये जो राइट साइड है और जो प्रोसेस इस पे करेंगे वो इस पे भी करेंगे, यानी लेफ्ट पे जो प्रोसेस होगा वो राइट पे भी अप्लाई होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो मैट्रिक्स गिवन है, ये जो दिया हुआ है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तब्दील हो जाएगी, और ये वाली जो मैट्रिक्स है, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये इनवर्स में चेंज हो जाएगी। अब हम करते हैं इसको, सबसे पहले आइडेंटिटी बनाने के लिए 1 यहाँ पे चाहिए, ये 1 मौजूद है, इसके नीचे सारे 0 करने हैं, एक 0 तो पहले से है, ये 0 अभी हमने प्रोड्यूस करना, तो इसको 0 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, इसमें ऐड करते हैं, यानी रो 1 कंप्लीट, रो 1 जो यहाँ तक है, इस पूरे को -2, 2, +2 से मल्टीप्लाई करें और थर्ड रो में प्लस कर दें, और जो आंसर आया है, जो जो आंसर आते हैं वो थर्ड रो में लिखते जाएं। तो जो प्रीवियस थर्ड रो, ये वाला, ये चेंज हो जाए, तो फर्स्ट 2 रोज तो लिख ले, इनमें कोई तब्दीली नहीं है। थर्ड रो में देखते हैं, फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करें और तीसरे रो में प्लस करें, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, इसमें प्लस कर दे, तो 0,
इसको टू से मल्टीप्लाई करे, इसमें प्लस कर दे, टू इसको टू से मल्टीप्लाई करे, इसमें प्लस कर दे, इसको टू से मल्टीप्लाई करे तो माइनस सिक्स, और जब टू से प्लस करेंगे तो माइनस फोर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको टू से मल्टीप्लाई करें और इसमें प्लस कर दे तो टू, इसको टू से मल्टीप्लाई करें और इसमें प्लस कर दे तो ज़ीरो, इसको टू से मल्टीप्लाई करें और इसमें प्लस कर दे तो वन। अब ये फर्स्ट एक स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे वन और उसके नीचे ज़ीरो ज़ीरो आ गए। अब जो है ना सेकेंड रो में सेकेंड एलिमेंट को वन बनाना है, तो इसको वन कैसे बना सकते हैं, अगर इसको हम माइनस टू से डिवाइड कर ले, तो इसलिए रो टू डिवाइडेड बाय माइनस टू डिवाइड कर लिया। ये जब डिवाइड हुआ तो वन आ जाएगा, ज़ीरो को जब माइनस टू से डिवाइड किया तो ज़ीरो, इस ज़ीरो को माइनस टू से डिवाइड किया तो ज़ीरो, इस वन को माइनस टू से डिवाइड करे तो माइनस वन बाई टू, और इस ज़ीरो को माइनस टू से डिवाइड करे तो ज़ीरो। और थर्ड रो ये है, तो ये कम्प्लीटली यहाँ पे लिखा गया। अब हम करेंगे इस वन के ऊपर और इस वन के नीचे ज़ीरो बनाना, तो आर वन प्लस माइनस टू आर थ्री माइनस टू आर टू, तो इस आर टू को माइनस टू से मल्टीप्लाई करें और फर्स्ट रो में एड कर लें, तो इस ज़ीरो को माइनस टू से मल्टीप्लाई करें और वन के साथ एड कर दें। तो ज़ीरो आ गया। फिर इसको माइनस टू से मल्टीप्लाई करें, इसमें ऐड कर दें तो माइनस थ्री, इसको माइनस टू से मल्टीप्लाई करें, इसमें ऐड कर दें तो वन, इसको माइनस टू से मल्टीप्लाई करें तो वन आ जाता है, और ज़ीरो के साथ प्लस करें तो वन, फिर इसको माइनस टू से मल्टीप्लाई करें और इसमें प्लस कर दे तो ज़ीरो। नेक्स्ट जो है ना हमारा प्रोसेस ये है कि आर टू को माइनस टू से मल्टीप्लाई करें और आर थ्री में एड कर दे, तो इसको माइनस टू से, ये रो टू है, इसको माइनस टू से मल्टीप्लाई करें और ये रो थ्री है, इसमें प्लस करें तो माइनस टू, जब ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो गया तो ज़ीरो आ गया, और प्लस ज़ीरो तो ज़ीरो। इस वन को माइनस टू से मल्टीप्लाई करें और इसमें ऐड कर दें तो ज़ीरो, फिर इसको माइनस टू से, ज़ीरो को माइनस टू से मल्टीप्लाई करें और माइनस फोर के साथ ऐड करें तो माइनस फोर, फिर इसको माइनस टू से मल्टीप्लाई करें और इसमें ऐड कर लें। ऐड करने के बाद क्या आएगा, टू, इसको माइनस टू से मल्टीप्लाई करें तो वन, और ज़ीरो के साथ ऐड करें तो वन, इसको माइनस टू से मल्टीप्लाई करें इसके साथ ऐड कर ले तो वन। ये नेक्स्ट हमने करना क्या है कि यहाँ पे वन बनाना है, यानी फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट को वन बनाना, सेकंड रो में सेकंड एलिमेंट को, और थर्ड रो में थर्ड एलिमेंट को। तो ये वन इस तरह बनेगा कि अगर इस कंप्लीट रो को हम माइनस फोर से डिवाइड करें, तो माइनस फोर जब फोर से डिवाइड हुआ तो वन आ गया, फिर टू को माइनस फोर से डिवाइड करें तो माइनस वन बाई टू, वन को माइनस फोर से डिवाइड करें तो माइनस वन बाई फोर, और इस वाले वन को माइनस फोर से डिवाइड करें तो माइनस वन बाई फोर। नेक्स्ट स्टेप जो हम करेंगे, ये तो हो गया, यानी इस वन के ऊपर भी ज़ीरो नीचे भी ज़ीरो। इस वन के नीचे तो कुछ नहीं है, ऊपर है ज़ीरो और माइनस थ्री, ज़ीरो तो ठीक है, माइनस थ्री को भी ज़ीरो बनाना है। अब हम क्या करेंगे कि आर थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई करें और आर वन में प्लस कर दें, तो ज़ीरो को थ्री से मल्टीप्लाई करें और वन के साथ प्लस करें तो फिर भी ज़ीरो, फिर इसको
जीरो को थ्री से मल्टीप्लाई करें और जीरो में प्लस कर दें, तो जीरो आर वन में चेंजेस आ रही है। फिर इसको थ्री से मल्टीप्लाई करें और इसमें प्लस कर दें, तो ये जीरो अब यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे भी यही प्रोसेस होगा कि आर थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई करें और आर वन में प्लस कर दें। ये आर थ्री है और ये आर वन है। इसको आर थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई करें तो -3/2 और वन के साथ प्लस कर दें तो -1/2। फिर -1/4 इसको थ्री से मल्टीप्लाई करें तो -3/4, वन के साथ प्लस कर दें तो 1/4। -1/4 जो ये वाला नंबर है इसको इसको थ्री से मल्टीप्लाई करें तो -3/4 और जीरो के साथ प्लस करें तो -3/4। तो हमारे पास ये देखिए फर्स्ट जो मैट्रिक्स थी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुकी है, और जो सेकंड साइड है लाइन के बाद ये जो आंसर आया है दिस इज द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए, सो ए इनवर्स इज इक्वल टू दिस। यही आंसर हमारे पास जब हमने मैट्रिक्स मेथड से किया था तब भी यही आंसर आया हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 10, द लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स गिवन है, इसका रैंक मालूम करना है। तो रैंक मालूम करने के लिए सबसे पहले इस मैट्रिक्स को रिड्यूस्ड एचलान फॉर्म में चेंज करना है। करेंगे क्या कि यहाँ पे वन तो मौजूद है, फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट, फिर इसके नीचे टू है और थ्री है, इन दोनों को जीरो बनाना है। तो अगर हम वन को -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करें तो जीरो आ जाता है टू की जगह पे। इसी तरह इस थ्री को ख़त्म करना है तो इस वन को -3 से मल्टीप्लाई करें और इस थ्री के साथ प्लस करें तो यहाँ पे भी थ्री की जगह जीरो आ जाता है। तो हमने यहाँ पे डिवाइस किया हुआ है कि आर टू को ऐड करें -2R1। तो इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट रो जो है एट इज एज इट इज लिखा गया, क्योंकि जो चेंज आनी है वो आर टू में और आर थ्री में। आर वन को तो हम यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई करके फिर इन दो रोज में प्लस करते हैं। तो इसको -2 से मल्टीप्लाई करें इसमें ऐड करें जीरो, इसको -2 से मल्टीप्लाई करें इसमें ऐड कर दें -4, इसको -2 से मल्टीप्लाई करें इसमें ऐड कर दें वन, इसको -2 से मल्टीप्लाई करें इसमें ऐड कर दें -1। अब नेक्स्ट इस रो थ्री में किससे चेंज आएगी, रो वन को -3 से मल्टीप्लाई करके रो थ्री में ऐड करना। अब इसको -3 से मल्टीप्लाई करें इसमें ऐड कर दें जीरो, इसको -3 से मल्टीप्लाई करें तो थ्री और फाइव एट, फिर इस टू को -3 से मल्टीप्लाई करें तो -6 और फोर के साथ प्लस करें -2, फिर इसको -3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें तो -6। अब यहाँ पे वन प्रोड्यूस करना है तो आर टू को फोर से -4 से डिवाइड कर लें, -4 से, फोर नहीं -4 से। तो इसको -4 से डिवाइड करें जीरो, इसको -4 से डिवाइड करें वन, इस वन को -4 से डिवाइड करें -1/4, फिर इस -1 को -4 से डिवाइड करें 1/4 और -6, तो ये हमारे पास आ जाता है -3। तो यहाँ पे
जीरो आ जाता है। अब जो है ना इसको -4 से डिवाइड करें तो ये आ जाता है 1 माइनस 1 बाय 4, 1 बाय 4। और जो थर्ड रो है इसको 2 से डिवाइड करें तो 4 माइनस 1 माइनस 3। अब हमने करना है कि इस 1 के ऊपर और नीचे दोनों नंबर्स जो है ना हमने 0 करना है, दोनों नंबर्स हमने 0 बनाने हैं। अब ये 0 कैसे हो गए -1, तो अगर हम इस -1 को 1 के साथ प्लस करें तो ये 0 आ जाता है। तो 1 प्लस 0 इज 6। इन दोनों को प्लस करें, इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास 1 आ जाता है। इन दोनों को प्लस करें तो 0, तो -1 की जगह 0 हो गया। इन दोनों को प्लस करें तो इससे 7 बाय 4 आता है और यहाँ पे लिख दिए। फिर इसको इन दोनों को प्लस करें तो यहाँ पे 5 बाय 4 आता है। अब हम जाते हैं R2 को -4 से मल्टीप्लाई करें और R3 में प्लस कर दें। तो 0 को -4 से मल्टीप्लाई करें, 0 में प्लस कर दें तो 0। इसको Rho2 को -4 से मल्टीप्लाई करना है, तो इस कंप्लीट Rho2 को -4 से मल्टीप्लाई करें। तो ये -4 प्लस 0 इसको -4 से मल्टीप्लाई किया, इसमें प्लस कर दिया 0। इसको -4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होता है 1, और इसके साथ जब प्लस हो जाता है तो 0। इसको -4 से मल्टीप्लाई किया तो -1, -1 और 3 प्लस हो जाते हैं तो -4। फिर उसके बाद हमें करना है R3 को -4 से डिवाइड करना, तो ये आ जाते हैं हमारे पास +1। तो यहाँ पे +1 हो गया। अब इसको यूज़ करते हुए इस 1 के ऊपर और नीचे 0 है, इस 1 के नीचे सारे 0 हैं, और यहाँ पे तो -1 बाय 4। इसको भी इस 1 के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं या जितनी भी एंट्रीज हैं उनको 0 बनाना। तो इसको -1 बाय 4 से मल्टीप्लाई करें, यानी थर्ड रो को -1 बाय 4 से मल्टीप्लाई करें और इसके साथ Rho2 प्लस करना। अब हम करेंगे क्या, इस 1 के ऊपर इसको 0 बनाना है। अगर इसको मैं 1 को -1 बाय 4 से मल्टीप्लाई करूं और इसके साथ प्लस करूं तो यहाँ पे 0 आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इस पूरे रो को, यानी रो नंबर 3 को 1 बाय 4 से मल्टीप्लाई करें और सेकंड रो के साथ प्लस कर दें। तो ये तो 0 0 है, यहाँ पे अगर इसको 1 बाय 4 -1 बाय 4 से मल्टीप्लाई करें, इसमें ऐड कर दें तो यहाँ से हमारे पास
-1 बाय 4 से इसको मल्टीप्लाई किया और इसको बारी बारी हर एक एलिमेंट को प्लस करते हैं, फिर किसके साथ, R3 के साथ, इस वाले के साथ। इसको मल्टीप्लाई करना है 1 बाय -1 बाय 4, किसको, R3 को, R3 को -1 बाय 4 से मल्टीप्लाई करें तो बाकी तो ज़ीरो ज़ीरो आ जाएंगे क्योंकि ये ज़ीरोज हैं। इसको मल्टीप्लाई करें तो -1 बाय 4, फिर इसके साथ प्रेस करें तो ज़ीरो। अब इसको -5 बाय 4 से मल्टीप्लाई करें और इसमें प्लस कर दें तो ज़ीरो। अब ये जो हमारे पास फॉर्म आ गई है, दिस इज़ रिड्यूस्ड एचिलान फॉर्म, क्योंकि जितने भी वन है उस उनके ऊपर और नीचे ज़ीरो आ चुके हैं। अब देखिए जो रिड्यूस एचिलान फॉर्म हमने बना दिए, इसमें जो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ हैं वो 3 है, सो द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू 3।